कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीन लगने वालों में फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, जिसमें राजस्व पुलिस, नगर विकास, पंचायती राज, विकास विभाग के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि 15 केंद्रों पर 1573 लोगों को वैक्सीन लगना है। वैक्सीन लगवाने वालों के सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। साथ ही DMSP ने लोगों को संदेश दिया कि ये कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए अपने क्रमानुसार लोग वैक्सीन लगवाएं और किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। आज हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स कैटेगरी के कर्मचारियों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर विकास के जो कर्मचारी हैं और अब पंचायती राज ग्राम विकास के भी कर्मचारी इसमें जोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों का कोविड के क्षेत्र में जो लॉकडाउन एनफोर्समेंट, सर्वेक्षण, सर्वेलांस कार्यों में बहुत इनका रोल रहा था कि इनको संक्रमित क्षेत्रों में जाना पड़ता था, तो इसलिए चिकित्सकों के बाद अगला नंबर इस कैटेगरी का था। देखिए, वर्ष 2020 एक वैश्विक संक्रमण की तरह से निकल गया, उसमें उत्तर प्रदेश और जो हमारे जनता के लोग थे उन्होंने भीषण त्रासदी का सामना किया। सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था की है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये वैक्सीन हमारे देश में ही बनी है और विभिन्न देशों में इसकी मांग की जा रही है। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है, ऐसा विशेषज्ञों ने बताया और आज मैंने और जिलाधिकारी ने अपनी कैटेगरी में सबसे पहले वैक्सीन लगा के ये संदेश देने का प्रयास किया कि इसके बारे में किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। गोंडा